आज हम आपको बताने जा रहे हैं फोटोशॉप में जुड़वा फोटो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं और यहाँ से एक फोटो ले लेते हैं फाइल पे एंड ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डेस्कटॉप से कोई भी फोटो हम ले लेते हैं। तो कोई भी फोटो हमने यहाँ से ओपन कर लिया। तो जुड़वा फोटो बनाने के लिए दोस्तों यहाँ से एक फाइल पे दोबारा अगेन जाते हैं और यहाँ से न्यू पेज ले लेंगे, यहाँ से फोटो पेपर एंड ओके। यहाँ से क्लिक करके पेज को सेट रख लेंगे। तो दोस्तों यदि हमें इस पीछे का बैकग्राउंड हटा नहीं लेना है तो हमें यहाँ से मैग्नेटिक लेसो टूल का यूज़ करना है जो कि थर्ड ऑप्शन है, और यहाँ से क्लिक करना है हमें और फोटो को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। तो जिस तरह आप फोटो को सिलेक्ट करेंगे फोटो उसी तरह से सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। यदि कहीं गलती करते हैं आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं और जहां आपको क्लिक करना है वो क्लिक भी कर सकते हैं। तो हमने इस फोटो को इस तरह सेलेक्ट कर लिया दोस्तों यहाँ पे। देन आपको मूव टूल पे क्लिक करना है, फोटो के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करके आपको दूसरे पेज पे ले जाना है। फोटो को छोटा एंड बड़ा करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल टी दबाना है। जैसे कीबोर्ड से आप कंट्रोल टी दबाएंगे इसके चारों साइड एक रेक्टेंगल शेप आ जाएगा जो कि आपको फोटो को छोटा बड़ा करना और साथ में फोटो को रोटेट करना दोनों ही काम बड़े इजीली तरीके से करेगा। यहाँ पे दोस्तों जो ये आ गया है पीछे का बैकग्राउंड इसे आप मिटा लीजिए। यहाँ से लेजर है आपका, इस पे क्लिक करेंगे। तीन ऑप्शन है लेजर के भी यहाँ पे हमारे पास, तो हमने फर्स्ट वाला ले लिया और यहाँ से इसे मिटा लेते हैं। जितना आपको मिटाना है अपना मिटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें आपका दोस्तों कि जो आपके हल्के हल्के ये हो रहा है इसे आप ब्लर कर दीजिए। ब्लर टूल होता है हमारे पास यहाँ पे, इसे ब्लर करने का ऑप्शन होता है यहाँ पे हमारे पास। तो ब्लर करने से क्या हो जाएगा दोस्तों ये कि आपका दिखाई नहीं देगा, मीन्स रोज टूल पैटर्न कलर इसमें है मेरे ख्याल से दोस्तों ब्लर टूल, और यहां से हमने इसे ब्लर कर लिया, हल्का हल्का ब्लर कर लिया यहां से और इसकी साइड में से हल्का हल्का ब्लर कर लेंगे। देन हमें क्या करना है दोस्तों, कंट्रोल टी दोबारा दबाना है। ये फोटो सिलेक्ट हो गया, एंटर मारना है, ऑल्ट क्लिक ऑल्ट कीबोर्ड से प्रेस करके रखना है और क्लिक करना है फोटो पे। ऑल्ट दबा के पहले मूव टूल पे क्लिक कर लेते हैं, ऑल्ट प्रेस करेंगे फिर और क्लिक करना है, फोटो आपका दो हो जाएंगे। कैसे क्या हमने फोटो दो दोस्तों दोबारा बताऊंगा। पहले हमने मूव टूल पे क्लिक किया, ये आपका मूव टूल यहाँ क्लिक किया, ऑल्ट दबाया कीबोर्ड से, ऑल्ट दबाने के बाद माउस से हमने क्लिक किया और फोटो जितना हमें चाहिए उतना आप कर सकते हैं। एंड ऑल्ट के साथ कंट्रोल ऑल्ट के साथ जेड दबाएंगे फोटो अंडो हो जाएगा। तो हमने इस फोटो यहाँ पर रखा, ऑल्ट ऑल्ट दबाया हमने और क्लिक किया, फोटो दो हो गए। देन हमें क्या करना है, कंट्रोल टी दबाना है और फोटो को इसी के बिल्कुल बराबर रख के हमें पलटा लेना है। यहाँ से इस तरह का निशान आएगा और फोटो को पलटा लेंगे। ये हमने फोटो पलटा लिया दोस्तों, देन इसके बराबर में ले आएंगे और एंटर मारेंगे। तो दोस्तों इस तरह हम जुड़वा फोटो बना सकते हैं, इसे क्रॉप कर लेंगे, ये आपका क्रॉप टूल है और यहाँ से क्रॉप कर लेंगे।
और एंटर। देन आपको साइड में कुछ भी डिजाइनिंग वगैरह लगाना है तो यहाँ से शेप टूल होता है और यहाँ से आप शेप का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम शेप्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑल का ऑप्शन आएगा। फ्लावर लेने हैं, एनिमल लेने हैं, एरोज लेने हैं, नेचर लेना है, बहुत सारे ऑप्शन है। मान लेते हैं हमें एनिमल लेने हैं तो एनिमल आ जाएगा। ओके करेंगे, यहाँ पे एनिमल्स के फोटो आ जाएंगे, जो भी एनिमल का फोटो आपको लगाना है यहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग इसमें कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। इस साइड लगाना है, इस साइड भी लगा सकते हैं। इसे देन मूव टूल पे क्लिक करना है आपको, कंट्रोल टी दबाना है और शेप को सीधा कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह क्या है दोस्तों, हम एक जुड़वा फोटो बना सकते हैं। यदि इसी फोटो को हमें फ्रेम में लगाना है, 64 फ्रेम करना है, हार्ट शेप में या रेक्टेंगल शेप में, उसके अंदर इस फोटो को डालना है तो कैसे डालेंगे? तो दोस्तों इस फोटो को सेव करना बता देता हूँ। यहाँ फाइल पे जाना है, सेव पे क्लिक करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप में चले गए हम, और यहाँ से आपको लेना है क्योंकि हमें इमेज फॉर्मेट में चाहिए तो हमें यहाँ से जेपीजी लेना है। फोटो का नाम डाल देना है, जैसे नाम डाल दिया हमने, मान लो तनु डाल दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। देन ओके, हाई क्वालिटी में लेना है तो हम और हाई कर सकते हैं, और ये आपका सेव हो गया जेपीजी फॉर्मेट में, जो कि आप नॉर्मली किसी भी कंप्यूटर में ओपन कर सकते हैं। ओके कर दिया हमने यहां से। ये हमारा ओपन हो जाएगा यहाँ से, थोड़ा स्लो है मेरे ख्याल से सिस्टम हमारा। ये आ गया दोस्तों। देन यदि मुझे किसी फोटो को फ्रेम में लगाना है तो कैसे लगाना है? तो सबसे पहले एक नया पेज ले लीजिए आप, ओके कर दीजिए यहाँ से, और देन यहाँ से कस्टम शेप्स होता है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रेम का ऑप्शन होगा, इसे एरो पे क्लिक करेंगे, देन इसे एरो पे, और यहाँ का फ्रेम ओके करना है तो फ्रेम आ जाएगा। तो मान लो इसमें मुझे जो भी फ्रेम इसमें यूज करना है उस फ्रेम पे मुझे क्लिक करना है, ये फ्रेम आ गया दोस्तों। यहाँ से ड्रॉ कर लेना है फ्रेम को, फ्रेम के चारों साथ कोई भी डिजाइनिंग वगैरह मैं अपनी मर्जी से भी लगा सकता हूँ जो अच्छा लगता है मुझे। देन पिक्चर पे क्लिक करना है मुझे दोस्तों। अब फ्रेम का जो जो फ्रेम का दोस्तों स्टाइल है वो सर्कल में है, आप देख रहे होंगे, तो हमें जो पिक्चर लेना है, यदि कोई भी पिक्चर हम लेते हैं यहाँ से, यदि कोई भी पिक्चर लेते हैं तो हमें इसे सर्कल में काटना होगा, मतलब जो कट करना होगा सर्कल में करना होगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक, इसमें सेकंड ऑप्शन है सर्कल टूल का, और हमने पिक्चर को सर्कल में सेलेक्ट कर लिया, और देन मूव टूल पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया और पिक्चर को हम यहाँ ले आए। पिक्चर एक्चुअली में बहुत बड़ा साइज में आ रहा है, तो इसे छोटा करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, कंट्रोल टी दबाएंगे, फोटो सेलेक्ट हो जाएगा, और देन हम किसी भी एंगल से पकड़ के फोटो को छोटा कर लेंगे। ये फोटो हमने छोटा कर लिया दोस्तों। देन अपने पिक्चर को हम इसमें इसके अंदर डाल देंगे, यदि हमें इसे रोटेट करना है तो
तो हम रोटेट भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, मान लेते हमें हल्का सा रोटेट करना है इसे इस तरह या इस तरह किसी भी शेप में, तो रोटेट कर सकते हैं। हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा इधर से बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा इधर से बड़ा कर लेते हैं। तो ये पूरा फ्रेम है शेड जो सेट बैठ गया। अब इसे क्या करना है, एंटर मारना है। अब देन अब क्या करना है दोस्तों, आपको लेयर पे जाना है और आपको यहाँ पे करना है अरेंज में जाके सेंड टू बैकवर्ड, तो पिक्चर बैक चली गई आपके। अब दोस्तों ये हमारा जो जो फोटो है बोल के फ्रेम में सेट बैठ गया। देन आप क्रॉप करना चाहते हैं तो आप इसे क्रॉप कर सकते हैं और एंटर। तो दोस्तों हमने दो चीज सीखा हमने आज, एक तो जुड़वा फोटो कैसे बनाएंगे, दूसरा किसी भी फोटो को फ्रेम पे कैसे लगाएंगे, किसी भी फ्रेम में सेट कैसे करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अप टू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड डे।